कैसे हैं आप? बहुत बहुत बढ़िया। स्वागत है स्वागत आपका भी। हाँ मैं आप मेरे को करिए स्वागत। हाय गाइस, तो वेलकम टू फर्स्ट एपिसोड ऑफ टेक टॉक्स। हेलो पीपल, हेलो पीपल, दिस इज निशा, दिस इज आमिर, दिस इज आमिर, एंड वी वेलकम यू टू फर्स्ट शो ऑफ टेक टॉक्स विद फोर्टिपू। और आज हमारे साथ है फोन डिपो के फाउंडर निशांत अग्रवाल जी। जोरदार तालियां। निशांत वेलकम। और आज का हमारा टॉपिक है माय फोन, मतलब आईफोन। आईफोन, आईफोन, यस यस यस, माय फोन इज आल्सो आईफोन। एक किडनी लग गई इस पर। भाई किडनी लग जाती है इसे। हां सर, नाम मैं चेंज कर दें। एक किडनी मेरी भी लग गई इस पर। तो आज का ये शो पूरा अनस्क्रिप्टेड होने वाला है। बिल्कुल बिल्कुल। आपके लिए सवाल आएंगे अभी। तो निशांत जी, सबसे पहले आज का क्योंकि हमारा टॉपिक है आईफोन, तो हमारे पास जनता के बहुत सारे सवाल है जो हम कवर करेंगे। और जानो कि जो एक आईफोन लेने में एक किडनी बिक जाती है इंसान की, तो क्या ये किडनी बिकना कितना वर्थ है, कितना नहीं है? क्या ये एक सोशल स्टेटस है या फिर एक्चुअली में उस किडनी का कुछ मोल है? मेरी भी एक बिक गई, बहुत दर्द होता है अभी भी। मम्मी अभी पूछती है पतला कैसे होता। फैक्ट बताओ तो आईफोन खरीदने में किडनी बिक जाती है, और अगर आपका फोन टूट गया ना तो दूसरी किडनी भी ले जाती है। तो बट बात कहूं तो आईफोन जरूर कहा जाता है कि किडनी बेच देता है, आपका किडनी बिक जाता है, बट जो यूज को यूज कर रहे हो ना, वो इसका फील, वो इसका इम्पोर्टेंस जानेंगे, कैसे ये वर्क करता है, कितना इजी टू यूज है, और इसने अपना क्या एक इकोसिस्टम बना रखा है। लाइक मैं अभी आईफोन यूज कर रहा हूँ, एक मैकबुक यूज कर रहा हूँ, तो इस दोनों का जो सिस्टम सिंक होता है ना, तो इतना बेहतरीन वो यूज होता है, इतना बेहतरीन यूज होता है। आज के जमाने में जो लोग आईफोन 7, आईफोन 6 भी जो यूज कर रहे हैं ना, वो भी अपने फोन से सेटिस्फाई होंगे, चाहे वो आप बट एक वीवो का कोई लेटेस्ट मॉडल ले लो, चाहे वीवो V23 सीरीज भी होगी, वो कुछ दिन बाद थोड़ा सा लैग करने लग जाता है। सही बात। तो मैंने भी यही सोच के कि सोसाइटी अब एक्सेप्ट कर लेगी, मैंने ये किडनी दाव पे रख के आईफोन ले ली। तो निशा जी ये बताइए कि आईफोन का जो एक कॉमन जो परसेप्शन है मार्केट में कि एक ये सोशल स्टेटस है कि एक आईफोन खरीद लिया तो अब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेगी और एक आईफोन क्लब में जुड़ना लोग चाहते हैं। तो अब हम आते हैं इसमें थोड़ी फीचर्स की बात करते हैं। तो क्या उतना पैसा लगाना, आप लाख रुपए लगाते हो, आईफोन 14 एक लाख से ऊपर 1.5 लाख रुपए लगाते हैं, तो क्या उतना वर्थ है इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं ग्राउंड लेवल ऑफ फीचर्स की बात करूँ, यूजर एक्सपीरियंस की बात करूँ, कंपेयर टू काफी सारे उस रेंज में आपको टॉप क्लास के एंड्रॉइड फोन मिल जाते हैं, काफी कंपनी जो बेस्ट एंड्रॉइड फोन उस रेंज में आपको देती है, तो कितना वैल्यू है? मतलब कस्टमर जब आते हैं तो क्या ये सोशल स्टेटस वाले आते हैं या फिर एक्चुअली लोग आते हैं जो बोलते हैं कि हाँ आईफोन मुझे चाहिए क्योंकि इसमें ये फीचर है जो उनकी रिक्वायरमेंट है? ना आपका सवाल बिल्कुल सही है कि आईफोन जस्ट मेजरली लोगों के लिए कहा जाए, जो ज्यादातर पॉपुलेशन उनके लिए जस्ट एक फील है। लाइक आप कभी देखोगे रॉयल एनफील्ड का एड, जो बुलेट है, तो बुलेट का एड इंडिया में जब दिखता है इंडिया में एक सब फील, कभी फीचर्स की बात नहीं करते, फीचर्स की नहीं बात करते, पंजाब में लोग के डुक 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 होना चाहिए, मैंने अपने बुलेट में लगा रखा है डुक 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 डुक। तो इट्स लाइक आईफोन इज लाइक जस्ट लाइक अ फील कि आप उसको ग्रैब कर लिए। बट हाँ, इसका कैमरे वाइज इसका जो फीचर्स है, लाइक ना MI चला गया, कोई भी ब्रांड मैं मेंशन नहीं करूंगा, 100 megapixel कैमरा, 150 megapixel कैमरा, बट आईफोन 14 सीरीज में अब जाके आया है कैमरा 40 megapixel का। नहीं तो आईफोन 7 में भी 12 मेगापिक्सल के कैमरा होते थे और आईफोन 13 में भी 12 मेगापिक्सल के कैमरे हैं, बट आप देखोगे उस 12 मेगापिक्सल के कैमरे को फोन को कंपेयर करोगे एक 10 मेगापिक्सल के कैमरा एंड्रॉयड फोन से, फिर भी आपको ये 12 मेगापिक्सल वाला कैमरा आईफोन 6 का कैमरा से फोटो जो आएगा वो बेहतरीन आएगा। हाँ तो मतलब कहीं ना कहीं मतलब एक फेक ब्रांडिंग का भी कॉन्सेप्ट है इसके पीछे कि हम बोल रहे हैं कि 140 मेगापिक्सल। एग्जैक्टली, बट आईफोन का अगर आप 10 मेगापिक्सल का कैमरा यूज करें, एग्जैक्टली, बहुत अच्छा वो पिक्चर क्वालिटी जो है, जैसा कि हम देखते हैं कि आईफोन हमेशा एड में बताता है
रॉयल एनफील्ड का हो गया कि ज्वाइन द रॉयल एनफील्ड क्लब, आपस क्लब में आ जाइए, फीचर से बात नहीं करते। बट आईफोन का जब हम एड देखते हैं, उनका प्रमोशन देखते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इस फीचर की बात करते हैं कि ये मूवी शॉर्ट ऑन आईफोन। काफी सारे वो क्लिप्स डालते हैं, उनका एड बोलते हैं कि दिस वाज शॉट ऑन आईफोन 13 या 14 से। तो कहीं ना कहीं क्या ये एक फेक ब्रांडिंग भी है बाकी ब्रांड्स की? बाकी ब्रांड्स मैंने देखे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत ब्रांड्स हैं फेक ब्रांडिंग करते हैं, ज्यादा फीचर्स बताते हैं। उन्होंने आप देखा होगा कोई भी एड में ज्यादातर नीचे लिखा भी होता है क्लाइंट कि एक्चुअल इमेजेस मे नॉट बी सेम एज दैट शोन इन द वीडियो, बिकॉज ज्यादातर वो फोकस के लिए और मार्केटिंग के लिए यूज हुआ जाता है। बट आईफोन ज्यादातर आपको ऐसा नहीं करता, जो भी पॉइंट्स वो अपने वीडियो या फिर एड्स में यूज करते हैं वो ज्यादातर आपको उस फोन में मिलेंगे ही मिलेंगे, जो भी जेन्युइन है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मैं भी अब धीरे-धीरे समझ रहा हूं कि कंपनीज का बात कर रहे हैं, तो किडनी अच्छा हां, पर किडनी दे चुका मैं समझ रहा हूं कंपनीज की, मतलब जिस देश में वो बनते हैं उनसे भी थोड़ा हमारा माहौल खराब चल रहा है, तो नाम नहीं लेंगे हम उनका, बहुत फोन बेच चुके हैं वो लोग। हम आगे क्या पूछना, थोड़ा सा सिलेबस भी तो देखना पड़ेगा ना इसमें। अच्छा मजाक की बात तो अलग है, बट ऑन अ सीरियस नोट निशान जी, आईफोन हर साल एक नया मॉडल लेके आता है, बिल्कुल उसके पीछे वो एक यूएसपी लेके आता है कि अपग्रेड टू 13, 14 इसमें ये है, जैसे कि अभी फ्लोटिंग डिस्प्ले, आपको ज्यादा पता होगा फीचर के बारे में जो 14 में आया। तो क्या जरूरी है एक लोकल पब्लिक जो नॉर्मल ऑडियंस से शो देख रही है, क्या हर साल एक आईफोन को अपग्रेड करना जरूरी है, या फिर आपका जो एक आईफोन है जो रिलायबिलिटी की बात करता है, जैसे आपने बोला कि आप पुराने आईफोन में भी देखेंगे तो उनका भी जो वर्किंग कंडीशन, रिलायबिलिटी, यूजर इंटरफेस आज भी उतना ही कारगर है जितना कि लॉन्च के टाइम था। Exactly. तो क्या ये अपडेट करना जरूरी है, ये क्या मेंटालिटी है इसके पीछे, और आपका क्या थॉट है इसमें? नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट लाया है। एक्चुअली एक मैंने आर्टिकल पढ़ा था कहीं कि एप्पल के जो सीटीओ है वो भी आज आईफोन 12 प्रो यूज कर रहे हैं। अच्छा 14 आने के बाद भी, 14 आने के बाद भी वो 12 प्रो यूज कर रहे हैं। उन्होंने खुद कहा कि जरूरी नहीं है कि आईफोन को हमेशा अपग्रेड किया जाए, बिकॉज जो इसका जो सॉफ्टवेयर है इस तरह डिजाइन किया हुआ है कि वो लैग ही नहीं करता आज भी। मैं तो आप तो जानते ही, आपने बताया निशान को फाउंडर, तो हमारा प्रियोन का बिजनेस है, तो आज भी हमारे पास लोग आते हैं कि आईफोन 5S जो कि 2014 में लॉन्च हुआ था वो मांगने के लिए। आईफोन के साथ ये दिक्कत भी आई थी कि आईफोन अपने फोन से खुद परेशान हो गया था, इतना रिलायबल हो गए थे वो। अच्छा खराबी नहीं होते थे, खराबी नहीं होते थे। तो उसने लास्ट में क्या किया, उसने सॉफ्टवेयर ही अपग्रेड वर्जन देना ही बंद कर दिया, जिससे कि आईफोन 6 में आपको पता होगा यूपीआई पेमेंट्स नहीं होते, वो उसको सॉफ्टवेयर 12 से अपग्रेड नहीं करता, 4G वाला भी कुछ था वो कंसर्न 5S में भी आए थे। तो इसीलिए आईफोन अब ऐसा कर दिया कि आपको मजबूरन लेना पड़ेगा, नहीं तो जरूरत नहीं है मेरी। तो अभी भी क्या उन पुराने फोन्स की डिमांड है, लाइक मैं 7 की बात करूं, सबसे ज्यादा उनका एक टाइम पे पॉपुलर था जब आया था 18 में, तो मॉडल वगैरह चेंज हुए थे उसमें। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, मैं हालांकि बहुत टाइम से आईफोन यूज कर रहा हूं, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आज ही बताऊंगा, तो मेरे को आईफोन 10 से ज्यादा कोई फोन पसंद नहीं है। आईफोन 10 एक अपने टाइम का टॉप, मतलब टॉप नॉच, एक कहते हैं ना जो मन को भा गया, वैसा अब नहीं बन सकता, वैसा कुछ नहीं आया मार्केट में, वो फोन था 13-14 के बाद भी। 13-14 के बाद भी, मतलब ऐसा क्या आईफोन 10 में कि एक तो आईफोन 10 ना आईफोन का एक नेक्स्ट एडवांस फीचर था कि आईफोन 8, आईफोन 7, आईफोन 6 तक लोगों ने बेजल वाला डिस्प्ले, स्मॉल डिस्प्ले, हां बेजल कम कर दिया था, बेजल था 8 में, 7 में टच आईडी थी। आईफोन 10 ने पहली बार आईफोन ने लाया फेस आईडी, फुल स्क्रीन डिस्प्ले लाया, तो फीचर्स लाए। और आईफोन 7 में भी मैंने देखा था मदरबोर्ड में इश्यूज आए थे, लाइक ना ऑडियो आई से काम नहीं करते थे। सर कैमरा की तरफ दिखा दीजिए सर, बजट 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 कैमरा भाई गरम चाय लाना था ना, चलिए ठीक है, इतना बजट नहीं मिलेगा, मेरा तो पानी जैसा लग रहा है सर। हाँ मतलब खाली दूध की चाय अच्छी नहीं होती ना, तो पानी और दूध की मिश्रण से बन सकता है। बढ़िया बढ़िया, आपके शो में दोबारा आना पड़ेगा। हाँ मोस्ट वेलकम। अब सेकंड एपिसोड भी आपके साथ सोच रहे हैं, सेकंड टिकटॉक भी फोन डिपो के साथ ही करते हैं। जरूर जरूर, ऐसा इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे, आप लोग को जरूरत है कि ऐसा इन्फॉर्मेशन देना कि जिसमें आप लोग को मेन चीजें मार्केट में पता चले कि मेन फीचर्स क्या है किसी प्रोडक्ट का, क्योंकि बहुत ऑप्शंस अवेलेबल है। मैं एक और फीचर बताऊंगा, अगर आईफोन जो iOS यूजर होते हैं ना, आईफोन जो यूज करते हैं, उन लोग के पास ना ऑप्शंस ही नहीं होते, उन्हें अगर अगले साल कोई फोन लेना है ना, तो आईफोन 14 लेना है या फिर 14 प्रो, बजट के अकॉर्डिंग है। अगर आप
कि एक किडनी महंगा है तो आप 14 प्रो ले सकते हैं, और आपने उसको बर्बाद कर लिया था तो आप 14 लेके काम चला सकते हैं, या फिर 13 के टाइम बेच चुके हैं तो आप सिर्फ 14 में एक ही किडनी बेच सकते हैं। बट एंड्रॉइड में ना बहुत वैरायटीज आ जाती है, राइट, लाइक वन प्लस, सैमसंग, गूगल, बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो आजकल बहुत अच्छा कर रहे हैं मार्केट में, अच्छा फीचर्स। और पहले छोटे लाइक एमआई था जो जब आया था तो 10,000 के रेंज के ही मॉडल्स ज्यादा प्रेफरेबल थे उसके, और उसने उस टाइम उसमें बहुत ज्यादा मार्केट को हिट किया था। बट आज वो भी 50,000, 60,000, 70,000 के फोन फ्लैगशिप निकाल रहा है और ऐसे फीचर्स के साथ निकाल रहा है कि दैट्स जस्ट माइंड ब्लोइंग। तो मतलब प्राइस रेंज वो कंपेरेबल अगर आप देखें तो आईफोन के रेंज में है आगे, लेकिन फिर भी आईफोन का जो डिमांड है वो आईफोन का मार्केट एक अलग नीश मार्केट बना हुआ है। बट एंड्रॉइड में ही आपको ऑप्शंस ना, एंड्रॉइड में कंफ्यूजन है, अच्छा आपको OnePlus अभी इतने सारे ऑप्शंस मिल रहे हैं, OnePlus लूं कि Samsung लूं कि, बट आईफोन में ठीक है आईफोन ही लेना है हमें। और ये जो कहा जाता है कि एक बार जिसने आईफोन यूज कर लिया वो कभी फिर एंड्रॉइड की तरफ मुड़ के नहीं जाएगा एकदम, ये बहुत, तो ये मैंने भी पर्सनली एक्सपीरियंस किया, मैंने भी थोड़ी देर पहले आईफोन में अपग्रेड किया तो कहीं ना कहीं मुझे एक फील तो रियलाइज हुई कि आईफोन में कोई ग्लिच नहीं होता, कोई भी लैग वाली इशू नहीं है, और एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग तो होती है आईफोन में, प्लस कहीं ना कहीं एक फील एंड टच वाली बात तो है। तो मतलब आपकी एक्सपीरियंस क्या रहा है जो कस्टमर से आपके इंटरेक्ट हुआ है, जो शिफ्ट किए रिसेंटली? सर आप यहाँ सामने बैठे हो, आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा कि आप शायद पहले आप रियलमी, जब आपसे लास्ट मिले थे आप रियलमी, पहले मैं रियलमी यूज करता था, आपने रियलमी का आईफोन लिया है, हाँ, फिर मैं सैमसंग पे अपग्रेड हुआ था, फिर उन्होंने कहा कि नहीं अब टाइम टू जॉइन द आईफोन क्लब, टाइम टू जॉइन। बट हाँ, ऑन अ सीरियस नोट, ये सिर्फ आईफोन क्लब वाली बात नहीं है, जब मैंने पर्सनली भी आईफोन यूज किया तो कहीं ना कहीं वो टच एंड फील वाली जो बात है वो तो है, वो मैं मानूंगा। और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि आईफोन जो अपनी ओवरऑल एप्पल आरएनडी पे यूज करता है, खर्च करता है, और जिस हिसाब से उसकी आरएनडी पूरी डिवाइस की गई है, कहीं ना कहीं काफी यूजर एक्सपीरियंस को ध्यान में रखते हुए। जब मैं शुरू आईफोन लेने का सोच रहा था तो मुझे सबसे बड़ा सवाल होता था कि इसे बैक बटन नहीं है हमें आता था कि हाँ बैक कर देंगी, फिर मुझे लगता था कि इसे बैक बटन नहीं है। बट जब मैंने यूज किया तो मुझे लगा कि जितना रिक्वायर्ड अमाउंट में आपको यूज करना है मिनिमम टचेस में, वो आईफोन ने कहीं ना कहीं कैलिब्रेट कर रखा है। जहां बैक बटन की जरूरत है उसने वहां ऊपर में दे रखा है, आपके पास ऑप्शन है कि जहां से बैक जाना है, जहां से बैक जाना इज अ सेंसिबल साउंड, वहां उसने बैक बटन का ऑप्शन दे रखा है। करेक्ट। तो हमारे इस शो का ये मकसद है कि जो हमारी जनरल ऑडियंस है, अगर हम यूट्यूब पे जाए और आजकल इतने सारे टेक्निकल टर्म्स में बताए हुए रहते हैं शो, जहां पर टेक्निकलिटीज को संभाला रहता है, कहीं ना कहीं हम इतनी टेक्नोलॉजी, हाँ वापस आते हैं तो हम देखते हैं कि इतने सारे जो शोज हैं अभी अवेलेबल उसमें काफी डिटेल में उनकी टेक्निकलिटीज के बारे में बात करते हैं लोग, क्या फीचर्स हैं, क्या प्रोसेसर है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो आम जनता है, जो हमारा पर्पज भी शो का, जो आम जनता तक जिनको इतने टेक्निकल टर्म्स में नहीं आना है, बट एक फील एंड यूटिलिटी जो उनकी है, जो वो रोजमर्रा की जिंदगी में जो यूज करेंगे, जो फीचर्स यूज करेंगे, या जिनसे उनकी लाइफ थोड़ी ईजी बन गई है फोन को यूज करने में, हम उनकी बात करेंगे और उसी पे हमारा पूरा ये शो आधारित रहेगा। तो उसी से निशांत जी, आपने मेंशन किया सॉफ्टवेयर अपग्रेड की बात की, वो एक काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अक्सर मैं सुनता हूँ कि एक एंड्रॉइड फोन जब हम 2-3 साल तक यूज कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं वो स्लो हो जाता है। एग्जैक्टली। बट ये चीज आईफोन में नहीं होती है। एग्जैक्टली। तो आप बताएंगे हमारे नॉर्मल पब्लिक को कि ये सिस्टम अपग्रेड क्या है एंड्रॉइड वर्सेस आईफोन। एक्चुअली होता क्या है कि आईफोन का अपना खुद का iOS है, मीन्स खुद का सॉफ्टवेयर है, एंड एंड्रॉयड जो भी है OnePlus या Samsung सारे गूगल के थर्ड पार्टी, जो गूगल एक थर्ड पार्टी है इनके लिए, वो इन्हें सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करती है। तो आईफोन खुद अपने फ़ोन में अपडेट्स रेगुलरली करते रहता है, आपको दिखेगा अभी 16 आया, फिर तुरंत 16.1 आएगा, 16.2 आएगा, रेगुलर अपडेट्स, और सारे में मिलेंगे, जिसमें नहीं मिलेंगे उसमें पहले ही बंद हो जाएंगे, और काफ़ी टाइम तक एक फ़ोन में मिलते हैं। लाइक एक फ़ोन है तो अपडेट आया उसमें एटलीस्ट 5-6 साल का अपडेट आएगा, फॉर श्योर आएगा। अभी मतलब 7 तक में भी अपडेट आ रहे हैं। एग्जैक्टली 7 तक में भी आया, 7 जो 2014 में लॉन्च हुआ था, 2016 में सॉरी लॉन्च हुआ था, वो आज तक उसमें 7 में जस्ट इस साल जाके 7 में बंद हुआ है, 16 बंद हुआ है। बट सोच रहा 15 तक आया, 2016 का फोन लॉन्च हुआ, 2021 तक 22 तक मोस्ट प्रोबब्ली सारे अपडेट्स आए। बट इन द केस एंड्रॉयड में ये नहीं होता, एंड्रॉयड में मैक्सिममली 2 साल या 3 साल उससे ज्यादा अपडेट्स नहीं मिलते। वैसे दिक्कत ये आती है जब अपडेट्स नहीं मिलते तो डिवाइस कंपैटिबल नहीं बन पाता, बिकॉज जो लेटेस्ट एप्स बन रही है या तो मेजरली उस अपडेट्स के अकॉर्डिंग बन रही है। तो कहीं ना कहीं ये जो लैग होने लगता है फोन या परफॉर्मेंस इशू आ रहा है, ये इसका एक रीजन ये है
खुद का iOS है, खुद का सॉफ्टवेयर है, तो वो खुद डिजाइन करता है कि कैसे वो फंक्शन होना चाहिए. एंड इन द केस एंड्रॉइड में ऐसा ऑप्शन नहीं है. एंड जो लोग बजट में आईफोन ट्राई करना चाह रहे हैं, एक बार आईफोन ट्राई करके देखें. आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड आप कहीं से भी प्रीओन रिफर्ब आईफोन 10 परचेस करें, बिकॉज 10 एक ऐसा डिवाइस है ना. मैंने बहुत डिवाइसेस देखे हैं, मैं आपको बता रहा था एक पॉइंट. लाइक आईफोन 7 में भी ना आपको ऑडियो आईसी की इशू आई है. उसमें होता क्या है ना कि ना आपको रिसीवर में आवाज आएगा, ना आपका आवाज कहीं जाएगा. इन द सेंस ना माइक काम करेगा, ना स्पीकर आपका, ना रिसीवर, जिसे हम टेक्निकल टर्म्स में रिसीवर कहते हैं, स्पीकर हो गया द रिंगर वन जो बजता है, ठीक है ना, वो काम करेगा. अब इसके बाद बात की जाए तो 10 आया, फिर उसके बाद 8 आया, 7 एंड 8 में मेजरली ये सोचते, फिर 10 आया. 10 एक मेजर चेंज था. उसके बाद 11 आया, 11 में भी जो इश्यूज आए लोगों के, फेस आईडी के बहुत ज्यादा इश्यूज आए कि फेस आईडी नहीं चल रहा. कुछ दिन होता है, एक साल डेढ़ साल होते हैं, हालांकि आईफोन बनते हैं कम से कम एक फोन जो यूज करेगा बंदा. आज भी आईफोन 6 यूज कर रहे हैं कस्टमर्स, मतलब 5-6 साल आराम से यूज कर सकते हो. बट दिक्कत आए 11 में, कई के फेस आईडी खराब हो गए. बैटरी ड्रेनेज की सबसे बड़ी दिक्कत आई कि यूजर्स जो व्यूअर्स है सॉरी, उन्हें पता होगा कि बैटरी ड्रेनेज की मेजर दिक्कत आई कि आपका बैटरी 95 था. आप जानते होंगे कि आईफोन में सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ा टर्म है वो बैटरी हेल्थ. आप भी हमें कॉल करके पहले पूछे थे कि भैया बैटरी हेल्थ कितना मिलेगा फोन. बिल्कुल बिल्कुल. तो ये है, बैटरी हेल्थ बहुत डिग्रेड हुआ था. 12 की बात की जाए तो 12 में जो सबसे बड़ी दिक्कत आई थी वो अगेन दिक्कत आई थी, रिसीवर वर्किंग नहीं था. रिसीवर बहुत ही खराब होते हैं. हालांकि इसमें एप्पल ने एक्शन लिया था, एंड इवन आउट ऑफ वारंटी फोन्स के भी, एप्पल की सर्विस इतनी अच्छी है, आउट ऑफ वारंटी फोन्स के भी उसने रिसीवर चेंज किए थे इश्यूज आने के बाद. कुछ एक मैन्युफैक्चरिंग डेट की बात प्रोडक्ट्स की, मतलब सर्विस में एप्पल से कोई टक्कर नहीं ले सकता. पूरा उसने डिस्प्ले चेंज किया था, बिकॉज अगर आप एप्पल में लेके जाते हो, मैंने जैसा बताया किडनी बिक जाती है, तो एप्पल में रिसीवर चेंज नहीं होता, वो पूरा डिस्प्ले ही कॉम्बो सेट चेंज करते हैं. 13 में भी कई लोगों के डिस्प्लेस का दिक्कत आई थी. मैंने 10 एक्सपीरियंस किया, मैंने बहुत आईफोन 10 सेल किए हैं. सबसे जो कम इश्यूज आए वो आईफोन 10 में आएंगे. आईफोन 10 में मतलब एक नया जो दौर का आईफोन बोल सकते हैं इसको. Exactly. जहां से आईफोन ने डिजाइन पे काफी काम करना शुरू किया, बहुत क्योंकि उस टाइम पे काफी सारे MI, Realme से मार्केट में आना शुरू हो गए थे. Exactly. और ये काफी इनोवेटिव कलरफुल बैकग्राउंड और चीजें ला रहे थे, तो वहां से कहीं ना कहीं पूरा डिजाइन एस्पेक्ट बदल दिया एप्पल ने, जो अभी भी कंटिन्यू है 14. और ये बैटरी की जो बात आपने की, ये काफी मेजर आईफोन यूजर्स के बारे में एक माइंड में होता था कि बैटरी कहीं ना कहीं एक इश्यू है. और जो हमें देख रहे हैं ऑडियंस, इनके बारे में भी होगा, जैसे हमने अभी बात भी की, तो मैं चाहूंगा थोड़ा और उस पर डिस्कशन कर लें. बैटरी का तो हालांकि बहुत ज्यादा आज के टाइम में तो बहुत ज्यादा रिवोल्यूशन आ गया बैटरी एंड चार्जिंग का. आज तो देखा जाए तो कंपनीज 150 वॉट 165 वॉट की चार्जिंग दे रही है, जो 10 मिनट में आपका फोन चार्ज कर देगा. और आईफोन आज भी 20 वॉट पे अपग्रेड हुआ है 2-3 साल के बाद. तो आईफोन अपग्रेड अपने बहुत लिमिटेशन लाता है. आज भी आईफोन की जो बैटरी कैपेसिटी है 2700-2800-3500 की बैटरी कैपेसिटी मैक्सिमम, और कंपनीज बहुत सारी कंपनीज 5000 mAh 6000 mAh क्रॉस कर चुकी है आज से 2-3 साल 4 साल पहले. बैटरीज की समस्या थी आईफोन में 7-8 तक, काफ़ी समस्या थी, लोगों को कम लगता था, बहुत कम लगता था. आईफोन 10 से उन्होंने बहुत सुधार किया और अब ऐसी दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अब तो मेजरली कंसर्न है ना. अब एप्पल ने इतना सा इकोसिस्टम बना लिया, आप कहीं भी जाओगे आपके नियर अबाउट फ्रेंड्स में घर में आपको एक आईफोन मिल जाएगा, आईफोन का चार्जर अब मिल जाएगा, चार्जर मिल जाएगा. 15 मिनट में आपका फोन एटलीस्ट 30% चार्ज हो जाता है, एंड वो 30% एटलीस्ट आपका 3-4 घंटे चार्ज काट देता है. ये जस्ट एक मिथ बना हुआ है मार्केट में कि चार्ज कर देता है. आपके पास ऑप्शंस बहुत होते हैं. लोग ज्यादातर आजकल तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ गया है, आपका तो वर्क फ्रॉम होम ही चल रहा है दिन भर, तो वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है, तो घर बैठे आपको काम करने में कोई मतलब नहीं है. आईफोन 10 से काफ़ी अच्छे बैटरी बैकअप में इन्होंने बहुत इम्प्रूव किया है, और मैं कहूँगा कि आईफोन ये सोच के ना ली कि बैटरी कम देगी. आईफोन 7 वेल में हाँ आपको थोड़ा बर्दाश्त करना पड़ेगा बैटरी का, बट आईफोन 10 से आपको ऐसा इशू नहीं आएगा. तो निशांत जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका इतनी सारी जानकारी हमारे पूरे दर्शकों तक शेयर करने के लिए. एंड आई एम प्रीटी श्योर कि जो टेक्निकल
टर्म्स में देखते थे वीडियो, और जो हमारी जनरल पब्लिक है उनको काफी अपनी भाषा में बिल्कुल सिंपल ग्राउंड टर्म्स में ग्राउंड लेवल पे बातें समझ में आई होगी। और ये आईफोन एक स्टेटस सिंबल है या फिर एक्चुअली इसकी यूटिलिटी है मार्केट में, जितना प्राइस हम पे करते हैं उसके बनिस्बत, तो आई एम प्रिटी श्योर आप सबको काफी चीजें सीखने को मिली होगी। और अगर आपके कुछ भी कॉमेंट्स है, कुछ भी और आप जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं हमारे एक्सपर्ट से, तो प्लीज कॉमेंट में करें और हमें बताएं। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और ज्यादा से ज्यादा मिलेंगे आपसे। आप बताना कि किस टॉपिक पे, इस कमेंट करना कि किस टॉपिक पे आपको नेक्स्ट ऐसा टेक टॉक चाहिए, उस पर हम लोग बातें करेंगे, चर्चा करेंगे, चाय फिर आएगी, चाय आप कर रहे थे। और शेयर करना ना बोले, शेयर में ना बोले मामा चाचा नाना दोस्तों को आईफोन वाले जो किडनी बेच गए हमको, और जिनका बेचना है उनको भी कर देना।